मैं तो सुख से रखती हूँ, वोट दे रहे हैं, कुछ भी दुख नहीं हमारी। हमारे गांव में मतलब ज्यादातर समझिया बरसात के मौसम में बरसात होती है, पानी कीचड़ हो जाता है। और आज से 10-15 साल पहले की मुटकी रोड थी वो रिपेयरिंग नहीं हो रही है, और नलकूप है वो आज 20-25 साल पहले मतलब लाइनें लगी वो वापस लगी नहीं है, तो वो काम अभी तक किसी सरकार ने किया नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि कोई कुछ परिवर्तन हो तो नई सरकार में मतलब हमारा काम शुरू हो जाए वापस और विकास की और मतलब गांव बढ़े। हमारे जमचिया तो हम बीजेपी के तो वोट देने वाले नहीं। क्या समस्या आपकी? नहीं, हमारे बीजेपी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीजेपी की कोई पानी की, बीजेपी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर जी, सबसे बड़ी समस्या है हमारे फिलहाल तो पानी की और लाइट की, और ये सरकार बनने के बाद जो बड़े बड़े वादे किए थे उस वादे पर ये सरकार खरी नहीं उतरी है। उसके हिसाब से हम ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी के तौर मतदान करेंगे। उनका मेन समस्या है हमारी पानी की, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए, हम ऐसे कर देंगे नल डाल देंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी वादे पूरे नहीं किए। इसी के मुद्दे पर सर हम बीजेपी को वोट डालेंगे। जोधपुर जिले में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के तहत आज 6 पंचायत समितियों के लिए मतदान हो रहा है। इसके साथ ही इन क्षेत्रों के जिला परिषद के सदस्यों के लिए मतदान हो रहा है। मैं इस वक्त धवा पंचायत समिति के डोली गांव में हूं, जहां सर्वाधिक 8 मतदान केंद्र, करीब 6,000 मतदाता यहाँ वोट डालने के लिए आएंगे। सुबह से लंबी कतारें लगी हुई है। इससे सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पर महिलाएँ भी अच्छी खासी भागीदारी में बाहर निकल के आ रही है और मतदान कर रही है। लोगों का कहना है कि सबसे बड़ी समस्या इस क्षेत्र में पानी की है, अगर पानी की समस्या का समाधान समय पर हो जाता है तो लोग काफ़ी आसान में हो सकते हैं। मनोज वर्मा, ईटीवी भारत, जोधपुर।